अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा आप लोगों के साथ वादा किया था कि आपको दो बहुत ही मज़ेदार लोगों से मिलवाऊंगा, मैं उसी सिलसिले में आज मैं पहले शख्स से मिलने आया हूं। ये जो है बहुत प्यारा आदमी है, जो इसको जानता है, जो इसका काम देखता है उसको इससे प्यार हो जाता है और मुझे भी इससे प्यार है, लेकिन मेरा इसके साथ कुछ हिसाब किताब निकलता है। बहुत अरसे से इसने और इसके कबूतर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। आए चल के जरा इसके और इसके कबूतर दोनों से आज मामला क्लियर कर लेते। उसको ढूंढता ढूंढता मैं यहां आ गया हूं दोस्तों, और एक मिनट। ये आज कबूतर दिखाओ। देखा आपने? देखा? अस्सलाम वालेकुम भाई। इसका कबूतर तो मैं अभी निकालता। कबूतर निकाल। बड़े अरसे से तेरा कबूतर निकाल, मुझे कबूतर। एक मिनट दोस्तों, मैं सर इसका कबूतर निकाल के आता हूँ। सर वेलकम। अरे यार वेलकम दोस्तों, कबूतर तो नहीं मिला लेकिन ये हीरे जैसा इंसान मिल गया। भाईजान मैं आपको भागता हूँ, आप हुक्म करें। आप भाई हैं, आप शहजादे हैं, और जिब्रान भाई के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं, बहुत से ऐसे एक्टर्स जिनके पास हौसला नहीं, तसल्ली नहीं थी, ये वो शख्स है जो सेट के ऊपर तसल्ली देता है, हौसला देता है, मोहब्बत देता है। बड़े बड़े अच्छे लोग देखे हैं मैंने। यार मैं यहाँ तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, प्लीज। नहीं मैंने आप मौका आज मिला ना, मुझे मौका वो तो है, लेकिन मुझे एक बात बता। मैं जो एक सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था, बहुत जरूरी है। वो तो मैं निकाल के जाऊंगा आज, ठीक है ना? वो बेफिक्र हो जाओ। मुझे ये बता, बोला उससे पहले अलिफ अल्लाह और इंसान, ये ट्रांजिशन का जो ट्रेंड सेट किया तुमने। भैया ये थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो, आवाज वहां से बहुत आ रही है। हाँ बंद कर दो। तो डर नहीं लगा था ये सब करते हुए? भजन डर में बाकी चीजों से रहा था कि जब मुझे वो रोल्स नहीं दिए जा रहे थे जो मैं पहले करता था, जो मैं आजकल कर रहा हूँ। अब तो मुझे, मेरे पास अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ी चॉइस थी। वो कहते हैं ना, एक बात जरूर कहना चाहूंगा इसके जवाब से पहले, कि इसने वो काम किया, ही स्टार्टेड द ट्रेंड, और लोगों ने देखा, एंड देन दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। अरे सर, सर तो ये मुझे इस बात का जबरान भाई पता लग गया था, क्योंकि रास्ते में, जिस रास्ते में अब मैं काम कर रहा हूँ, आप तो हीरो हमेशा से हैं और रहेंगे और बहुत काम करते रहे, उस रास्ते में बहुत रश था, उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, और कभी कभी ये होता है कि आप में कुछ चीज़ें होती भी हैं तो दुनिया को नज़र नहीं आ रही होती। True. क्योंकि कुछ लेयर्स होती हैं जो उस वक्त नहीं थी यार। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं 20-22 साल हो गए मुझे, और मैंने वो टाइम भी काम करते हुए गुजारा जब इमरान कराची आया था शुरू में। फर्नीचर नाम बताएं तो अच्छा है लोगों को फर्नीचर के बारे में। एक चीज जो आप सीख सकते हैं इस बंदे से ना, और यकीन करो इतने सालों के बाद मैं खुद उस चीज से इंस्पायर होता हूँ, वो क्या है? Perseverance, consistency और determination, इनसे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल जुड़े रहो, लगे रहो, इट्स इम्पॉसिबल कि आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिले। द की इज, वो डेंजेल वॉशिंगटन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। सो यू नो, सेट योर गोल्स एंड ड्रीम एंड इट विल हैपन। बिलीव ये आपके सामने। यार मैं आपको बताऊं, मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं कि मैंने इमरान से बहुत पहले काम शुरू किया था, और इस ये मेरे साथ एज ए जूनियर आर्टिस्ट भी इसने काम किया, और आज ये मेरे से बड़ा स्टार। नहीं, आप बहुत बड़े स्टार। नहीं भाईजान देखिए, सच से ऐसे नहीं करते, मान लेना। अब आप अपने फैंस को जरा हम्बल होके दिखा रहे हैं, आप ही बता रहे हैं कि मैं बड़ा। क्या यार, आपने क्या क्या काम किया है, कैरेक्टर। आप सिर्फ हीरो नहीं है, आप वो वाले हीरो नहीं है भाईजान, मेरी आपकी रिस्पेक्ट। नहीं सीरियस, देखिए हम एक दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे, सच तो बोलना ही है ना। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, और कुछ हो ना हो, हिसाब होना है। Oh, yes. तो हिसाब में आपका, जैसे आपकी इबादत का हिसाब होगा, ऐसे आपके सच और झूठ का भी होगा। Absolutely. तो मैंने, आपने सिर्फ हीरोज की रोल नहीं किए, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, चाहे अभी आपका नेम गुजरा है यार, क्या आपने वंडरफुल काम किया उसमें, और बड़े बड़े एक्टर्स आपके सामने जब आते हैं तो मसला होता है।
नहीं लेकिन ये क्या ठीक है इमरान का पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, पर मैं आपको बात बता देता हूं, मियां जो है ना मियां से ही ऐसा बराबर ही शीट एक्टर है, मियां जो मियो मियो जो मियां कहता है मैं नहीं देख रहा कबूतर। लव यू सर, आप मुजाकरात के आज सेट पे आए, मैं आज बहुत खुश हूँ यार। नहीं मैं एक्चुअली आयरनी ये है कि ये तुम लाहौर में करते हो, तुम्हें पता है हम कराची में फंसे रहते हैं, तो हम भी कराची में ही होते हैं। हाँ, लेकिन ये तुमने जो दुनिया यहाँ सजाई होती है ना, ये कराची में होता ना तो यकीन करो हम भाने भाने से रोज़ पहुंचे होते यार, यहाँ पहुंचे होते। लेकिन अच्छा एक और बात, ड्रामा से होस्टिंग ट्रांजिशन, ड्रामा में क्या होता है हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते कि यार मुझे अगर एक काम करना है उसका लोगों पे ये इम्पैक्ट होगा, वहां तक तो हम सोचते हैं, लेकिन एज अ होस्ट आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा अंडर स्क्रूटनी होते हैं जजमेंट के यार। सर देखें, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है ना वो तो है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, और मैं एक एक्टर हूं, एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा पैशन मेरा काम हमेशा से एक्टिंग ही है। होस्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, करने से पहले नहीं थी मेरे लिए इंटरेस्टिंग, करने के बाद इसलिए कि जब लोग मेरे सामने आके बैठे तो मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना प्यार। Sweet. जब पहला शो था तो मुझे लगा लोग सामने बैठेंगे, लोग मुझसे पता नहीं कैसे सवालात करेंगे, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, लेकिन मुझे आप लोग देख रहे हैं, लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं, कोई मुझे दुआएं दे रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो अभी भी मैं अपने आप को सिर्फ एक्टर समझता हूँ। ये मेरे बच्चे का नसीब है, ये मेरी ज़राए आमदन है, पर वो जब आपकी ज़राए आमदन आपसे आपकी मोहब्बत बन जाए, जब आपको इंटरेस्ट हो जाए उसमें। मैंने होस्टिंग को कभी भी इसलिए नहीं किया था कि ये मेरा पैशन था, लेकिन जो मैं लोगों का प्यार देखा है मुज़ाकरात के साथ, जो मेरे साथ और दुनिया न्यूज़ खास करके जो जिस तरह से वो लव करे, आप देख रहे हैं इधर का माहौल, उन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया हुआ है, ऐसा माहौल दिया हुआ है जैसे अपने बच्चे को दिया जाता है। बिल्कुल, और मैंने ये देखा है कि लोग जब आप गए होंगे और चैनल्स में भी, क्या किसी होस्ट के लिए इतनी मोहब्बत, इस तरह का माहौल होता है? यकीन करें मुझे, मैंने आके ऐसा लगा जैसे मैं एक वेकेशन पे आया हूँ, सब दोस्त आसपास फिर रहे, कोई टेंशन नहीं है वो जो होती है अमूमन। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये मैं पहले भी मुज़ाकरात मैंने देखा था प्रमोशंस में जब हम आते थे, ये इस बंदे के आने की वजह से एनवायरनमेंट बिल्कुल इसके जैसा हो गया, रिलैक्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये है कि होस्टिंग, मैं एक एक्टर हूँ ये बात याद रखिएगा, मुझे कभी, और एक बहुत अच्छा एक्टर, नहीं ये भी याद रखिएगा, मुझे एज ए होस्ट कभी जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल नया, और मुझे सीखने में बहुत सारे साल लगेंगे, लेकिन ये है कि मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा, उसमें अगर आपको मेरी होस्टिंग में मेरा एक्टर नजर आए तो वो तो आएगा हमेशा। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर, लव यू, लव यू, यू आर द बेस्ट। अस्तर के दे रखुले लका अस्ता कबूतर, फिर याद आ गया मुझे कबूतर, जमा कबूतर डेर काट दे, छत पे होता है वो, छत पे होता है, पिंजरे में होते हैं 10-15 भाईजान इसके 10-15 कबूतर है, 10-15 कबूतर है इसके, इसने अपने मुंह से आज बोल दिया है, मेरा केस क्लोज हो गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू। दोस्तों ये था मेरा प्यारा खूबसूरत इमरान, उसके साथ बात की, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था आपको मिलवाऊंगा, दो बंदों से, एक से आपको मिलवा दिया, अब एक और बंदा है, ये लाइट आती जाती रहेगी, माइंड ना कीजिएगा मैं स्टूडियो में हूँ, अब एक और बंदा है उससे मैं आपको मिलवाऊंगा अगले व्लॉग में, वो अपनी नौयत का एक और मुख्तलिफ इंसान है, इतना फ़नी ना हो लेकिन फिर भी आपको हंसी आएगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।